वेलकम टू यू और यूट्यूब चैनल राज इन्फोटेक सर्विस। आप देख रहे हैं राज इन्फोटेक सर्विस। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी शिक्षा शास्त्री बीएड करने का ऑनलाइन आवेदन होता है, वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लेंगे और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इस लिंक इस तरह का आपको लिंक दिखाई देने लगेगा। लिंक ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर PSST PSSST एंड PSAT 2022। तो हम ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आप आवेदन करने की तिथि 2/11/2022 से और आवेदन करने की अंतिम तिथि 22/11/2022 तक, यहाँ पर सभी की निर्देशिका दी हुई है। तो आप निर्देशिका पढ़ने के लिए सिंपली इस लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे और एक बार आप निर्देशिका जरूर पढ़े, उसके बाद ही आप आवेदन करने के लिए आगे बढ़ें। क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में SSO पोर्टल पर रिडायरेक्ट होगा। यहाँ पर हम आवेदक की SSO ID और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। यदि आवेदक के पास में पहले से SSO ID नहीं बनी हुई तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके SSO ID बना सकते हैं। हमने SSO ID यहाँ पर एंटर कर लिए। हम यहाँ पर एक कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखाई देने लगेगा और हम यहाँ पर सर्च में सर्च करेंगे हायर टेक्निकल एजुकेशन, ये लिख के हम सर्च करेंगे। तो उस यहाँ पर आपको इस तरह का आइकन दिखाई देने लगेगा HTE का, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये लॉगिन पेज खुलेगा, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर नीचे नीचे लास्ट में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सेलेक्ट योर एप्लीकेशन, यहाँ पर हम सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे PSST ये वाला। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको प्रवेश परीक्षा का नाम, तो यहाँ पर 2 ईयर BEd प्रोग्राम है और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है और MEd प्रोग्राम है। तो आप 2 ईयर BEd के लिए हम ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 ईयर BEd प्रोग्राम प्री शिक्षा शास्त्री सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कोर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट कंप्लीट किया है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ से BA मॉडर्न में किया है तो हम BA मॉडर्न सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आप हम यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आवेदक का जनाधार नंबर एंटर करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर जनाधार नंबर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जनाधार के सभी सदस्यों की लिस्ट शो हो जाएगी। हम उस सदस्य को सेलेक्ट कर लेंगे जिसके नाम से हम ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो उसके सामने यहाँ पर चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके उस सदस्य को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जनाधार में रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP हम ओके कर यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और वो OTP हम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद में वेरीफाई करेंगे OTP, चलिए हम यहाँ पर OTP एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे, पेज लोड होगा थोड़ा। उसके बाद में यहाँ पर ये बेसिक डिटेल खुल जाएगी, तो यहाँ पर आप 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही नाम लिखे, यदि जनाधार में नाम गलत है तो हम यहाँ से मैनुअली से फिल कर लेंगे। उसके बाद में पिता का नाम यदि गलत आ रहा है जनाधार से तो हम यहाँ पर सही लिख लेंगे इसे, तो चलिए हम यहाँ पर इसे सही कर लेते हैं। उसके बाद में यदि माता का नाम भी जनाधार से गलत आ रहा है तो उसे भी हम सही कर लेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर माता का नाम सही कर लेते हैं एक बार। ध्यान रहे सभी डेटा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। उसके बाद में ईमेल ID एंटर करेंगे हम, तो चलिए पहले माता का नाम हम दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में आवेदक की ईमेल ID एंटर कर लेते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर ईमेल ID एंटर कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद में राष्ट्रीयता सेलेक्ट करेंगे हम इंडियन। उसके बाद में जन्मतिथि, यदि जन्मतिथि में भी आपको संशोधन करना है तो यहाँ पर हम इस कैलेंडर के पर क्लिक करके जन्मतिथि हम बदल सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर जन्मतिथि में संशोधन करना चाहते हैं क्योंकि जनाधार में जन्मतिथि गलत अंकित है पहले से, तो हम इसे मार्कशीट के अनुसार जन्मतिथि इस कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आयु ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर OTP आएगा एक, तो OTP हम यहाँ पर एंटर करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर OTP एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो पेज आगे प्रोसेस होगा। उसके बाद में यहाँ पर पर्सनल डिटेल,
आवेदक का नाम हिंदी और इंग्लिश में, ये सभी एक बार आप चेक कर लें। उसके बाद में यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आईडी नंबर इंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आधार का नंबर दर्ज कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद में नामांकित व्यक्ति का नाम एंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर नॉमिनी का नाम दर्ज कर लेते हैं। तो हम नॉमिनी में फादर्स का नाम दर्ज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर नॉमिनी का नाम एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नामांकित व्यक्ति से संबंध, यानी आवेदक का क्या रिलेशन है नामांकित व्यक्ति से, वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से विशेष कैटेगरी, यदि विकलांग है तो यह सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करेंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में धर्म सेलेक्ट करेंगे आवेदक का, रिलीजन। उसके बाद में TSP क्षेत्र से संबंधित है यह सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अल्पसंख्यक यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 10वीं की योग्यता का विवरण दर्ज करेंगे, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, 10th किस रास्ते से आपने पास किया। उसके बाद हम 10th बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, यानी जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास करी है वो बोर्ड हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने राजस्थान बोर्ड से करी है, यहाँ पर RBSE सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ईयर में आपने 10th क्लास पास करी है। उसके बाद में रोल नंबर दर्ज करेंगे 10th के, तो चलिए हम यहाँ पर रोल नंबर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से मार्क ऑपडेंट सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क दर्ज करेंगे, यहाँ पर कितने में से आए हैं वो दर्ज करेंगे। उसके बाद में ऑपडेंट मार्क, यानी टोटल कितने नंबर प्राप्त हुए वो दर्ज करेंगे। बाहर क्लिक करेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर 12th की डिटेल फिल करेंगे, तो यहाँ पर हम कोर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम उच्च माध्यमिक सेलेक्ट करेंगे 12th क्लास का, तो यहाँ पर उच्च माध्यमिक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में स्टेट ऑफ स्टडी, यानी किस स्टेट से आपने 12th क्लास पास करी वो हम यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, तो हम राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में बोर्ड सेलेक्ट करेंगे RBSE जो भी है। उसके बाद में स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम, तो आर्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम। उसके बाद में यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम रोल नंबर एंटर करेंगे। चलिए मैं हम यहाँ पर रोल नंबर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में मार्क ऑपडेंट, यहाँ पर हम मार्क सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क एंटर करेंगे हम यहाँ पर, कितने में से प्राप्त हुए हैं टोटल। उसके बाद में ऑपडेंट मार्क दर्ज करेंगे, कितने अंक प्राप्त हुए हैं। बाहर क्लिक करेंगे परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगी। उसके बाद में हम यहाँ पर स्नातक योग्यता विवरण, यानी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में नेम ऑफ कॉलेज या इंस्टीट्यूट, यानी कॉलेज का नाम हम दर्ज करेंगे जिस भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएट कंप्लीट किया है। उसके बाद में पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पर हम मार्क सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टोटल मार्क दर्ज कर लेंगे कितने में से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर ऑपडेंट मार्क एंटर करेंगे, यानी कि कितने अंक प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में हम बार क्लिक करेंगे, जैसे ही बार क्लिक करेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर स्नातक विषय विवरण फाइनल ईयर का, तो यानी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट की आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो चलिए हम यहाँ पर पहला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में मार्क्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम मार्क्स। उसके बाद में फाइनल मैक्सिमम मार्क, यानी कि आपके सोशोलॉजी में कितने अंक टोटल थे उसमें से कितने अंक प्राप्त हुए वो हम यहाँ पर इसकी डिटेल फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑपडेंट मार्क दर्ज कर लेंगे, बार क्लिक करेंगे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। उसी प्रकार से दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे हम, ये सिर्फ फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में मार्क सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम मार्क दर्ज करेंगे। उसके बाद में ऑपडेंट मार्क दर्ज करेंगे, बार क्लिक करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ से तीसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे मास, यहाँ से हम मार्क मार्क सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में फाइनल मैक्सिमम मार्क दर्ज करेंगे, ऑपडेंट मार्क दर्ज करेंगे। उसके बाद में बार क्लिक करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर एड्रेस फिल कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से ब्लॉक या तहसील सेलेक्ट करेंगे हम, जो भी ब्लॉक या तहसील है। उसके बाद में सिटी या विलेज सेलेक्ट करेंगे दर्ज कर लेंगे यहाँ पर हम, तो गांव का नाम दर्ज कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड दर्ज करेंगे, चलिए हम यहाँ पर
पिन कोड दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, यदि पत्राचार का पता और वर्तमान पता सेम है तो हम यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ऊपर दिया हुआ पता नीचे में कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अभ्यर्थी अपने स्वयं के बैंक खाते का विवरण दर्ज करें तो यहाँ पर हम खाता धारक का नाम, उसके बाद में खाता संख्या दर्ज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर हम बैंक सेलेक्ट करेंगे, जिस भी बैंक में आपका खाता खुला हुआ है वो बैंक हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ब्रांच का नाम दर्ज करेंगे, जिस भी ब्रांच में आपका खाता खुला हुआ है, और यहाँ पर हम आईएफएससी कोड दर्ज करेंगे। उसके बाद में बैंक खाते के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो नंबर हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी नंबर भेजा गया है, वो ओटीपी हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे तो हम पहला एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरा एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पर हम तीन एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में तीसरा एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पर हम टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर जो भी अभ्यास शिक्षण विषय हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप तीन विषयों का चयन कर सकते हैं तो हम यहाँ पर तीनों विषय का चयन करेंगे। दूसरा विषय सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर और तीसरा विषय हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम थर्ड सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तीसरा भी। उसके बाद में यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और फोटो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर अपलोड हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर हम सभी दस्तावेज़ अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पर हम 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्कशीट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अपलोड पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हम 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे 12th की मार्कशीट और यहाँ पर हम अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से 12th की मार्कशीट अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने में कुछ समय लग सकता है, आप थोड़ी देर वेट करें। उसके बाद में यहाँ पर हम जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर लेते हैं। अपलोड पर क्लिक करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है। उसके बाद में हम यहाँ पर मूल निवास अपलोड करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं बोनाफाइड। उसके बाद में अपलोड पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर हम ग्रेजुएट की मार्कशीट हम अपलोड करेंगे, यानी कि बीए फाइनल ईयर की, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम मार्कशीट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से अपलोड पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है। यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे हैं तो यहाँ पर आप डाउनलोड फाइल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने जो भी दस्तावेज़ अपलोड कराया है वो कहीं गलत तो नहीं है, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो हमने दस्तावेज अपलोड करें उसको आप यहाँ से देख सकते हैं उसका प्रीव्यू। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, सभी दस्तावेज अपलोड हो गया है। ये यहाँ पर पेज का प्रीव्यू दिखाई देने लगेगा, एक बार आप फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर हम प्रीव्यू देख लेंगे फॉर्म का। उसके बाद में यहाँ पर हम चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और फाइनल लॉक एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसके बाद में क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होगा और यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग एग्रीगेटर यूपीआई बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे पेमेंट करने के, तो आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद में देखते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देने लगता है। पेमेंट हो जाने के बाद में यहाँ पर इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखाई देने लगेगा, इस तरह का पेज डिस्प्ले होगा आपको यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको डाउनलोड एप्लीकेशन
ये बटन दिखाई देने लगेगा, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। चलिए हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होगा, यहाँ पर 2 पेज में ये डाउनलोड होगा। इस तरह से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।